हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और हमारा जो टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह मेरे सेकंड चैनल के अंदर ये इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है। तो ये मेरी ऐप है, एडिसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ऐप जो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। माइक्रो, मैक्रो, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी एट ए वेरी नॉमिनल रेट अवेलेबल है। देखो, इकोनॉमिक्स जो है, चाहे वो हम बिजनेस लेवल पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे हम इकोनॉमी के लेवल पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो सबको ये रेडीमेड आंसर या सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता। इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू द जो प्रॉब्लम की नेचर है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके हम उस प्रॉब्लम के अंदर इसको लगा सकते हैं। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ टाइम परस्पेक्टिव, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल तो ये हमें बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल हमें बताता है कि बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू सेक्रीफाइस बाय परस्यूइंग वन कोर्स ऑफ एक्शन रेदर देन अनदर। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है तो हम एक को एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरी को सेक्रीफाइस करते हैं। अगर दूसरी को सेक्रीफाइस करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते थे, तो वो पहले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। जैसे मान लो मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, मुझे 20,000 मिल रहा है, तो डेफिनेटली दूसरी जॉब पे मैं तभी जाऊंगी जब मुझे कम से कम जो है 25,000 मिले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए डिसीजन इज द सेक्रीफाइस ऑफ अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड बाय दैट डिसीजन। सेक्रीफाइस ऑफ अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड बाय दैट डिसीजन, जैसे हमारे पास खेत है उस पर हम चना भी ग्रो कर सकते हैं, वीट भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर हम वीट ग्रो करने का डिसीजन लेते हैं तो चने कि जो खेती है उसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया। अगर हम वहां पे चने उगाते तो हमें 1,000 की इनकम होती, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो सेक्रीफाइस ऑफ अल्टरनेटिव इज इन्वॉल्व व्हेन कैरिंग आउट अ डिसीजन रिक्वायर यूजिंग सोर्सेज दैट लिमिटेड इन सप्लाई। क्योंकि देखो, हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वी हैव टू मेक ए चॉइस। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन थिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज गिवन अप इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो जैसे हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं तो नेचुरली हम एक ऑप्शन को सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो हमने सेक्रीफाइस किया है अगर हम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते तो उतना रेवेन्यू वहां से जनरेट होता, तो वो पहले वाले की जिसको हमने अडॉप्ट किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन द अल्टरनेटिव और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू यूज द रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एक्स रादर देन वाई। तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर देखते हैं कि अगर हमने एक यूनिट एक्स का बनाना है तो कितने अमाउंट ऑफ कमोडिटी हम सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम एक्स को प्रोड्यूस कर सकें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस, इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कह देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फॉर्म ए यूजिंग रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड इज द रेवेन्यू फोरगेन बाय नॉट यूजिंग दीज रिसोर्सेज इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे मान लो हमारे पास एक मशीनरी है, वो ए प्रोडक्ट भी बना सकती है, बी भी बना सकती है, बट अगर हम डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट रेदर देन बी, तो जो बी प्रोडक्ट हमने सेक्रीफाइस किया है वहां से हमें 10,000 की इनकम होती है, तो वो 10,000 ए की जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे ए हैज 1 लाख, अगर वो उसको बैंक में रखता है तो ही विल अर्न 8,000 इंटरेस्ट। अगर वो बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करता है तो वहां पे कम से कम उसकी जो रिटर्न है वो 8,000 होनी चाहिए। तो 8,000 यहाँ पे जो मिनिमम अर्निंग है दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी तरह जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए टाइम एक एंटरप्रेन्योर जो है अपने बिजनेस को डिवोट करता है, तो उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर वो बाहर इतने घंटे की जॉब करता है तो उसको क्या सैलरी मिलती, तो वो उसकी
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ मशीन टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट इफ द अर्निंग फोरगन बाय द अदर प्रोडक्ट. अगर हम ए भी बना सकते हैं, बी भी बना सकते हैं और बी को हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो बी से हमें जितना रेवेन्यू प्राप्त होता है वो ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए गिवन सम ऑफ मनी कैन नेवर बी जीरो. जो गिवन सम ऑफ मनी है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती. तो देखो जिन डिसीजन के अंदर चॉइस होती है वहां पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं. और ये इम्प्लिसिट भी, नोशनल भी हो सकती है, एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, मॉनिटरी भी हो सकती है. जैसे हम इसको न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन एक्सेट्रा के अंदर यूज कर सकते हैं. अगर किसी वर्कर के पास कोई सफिशिएंट वर्क नहीं है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है जीरो है. देखो जो अकाउंटेंट है वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट होती है, जो हम एक्चुअल में पे करते हैं, उसको ही कंसिडर करता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल. तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल जो है, इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज इन कंजम्पशन, प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमने कोई डिसीजन लेना है उसका कॉस्ट और रेवेन्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो किस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है वो चेंज होता है फ्रॉम द चेंज इन प्राइसिंग एक्सेट्रा. देखो इसके अंदर दो चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जब हम एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं कि हमने प्रोडक्शन को पहले से इंक्रीज करना है तो हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, या अगर हम पर्टिकुलर चीजों जैसे सेल को इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारा रेवेन्यू जो है कितना चेंज होता है, दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. जैसे एक फर्म है उसको एक ऑर्डर मिलता है जिसमें एडिशनल रेवेन्यू उसको 2000 का मिलता है, तो ये नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है 550, मटेरियल है 850, ओवरहेड है 700, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज 300, तो ये 2400 का है. इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एडिशनल ऑर्डर लेते हैं तो हमें जो लॉस है वो है 400 का. बट देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने एडिशनल ऑर्डर लेना है तो हम देखते हैं कि हमारे पास आइडियल कैपेसिटी कितनी है, फिर उसके हिसाब से जैसे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है फिक्स्ड है, ये अगर हम ऑर्डर लेते हैं तो इसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आइडियल लेबर है उसका कॉस्ट हमें कितना पड़ता है, मटेरियल ओवरहेड का कितना पड़ता है, जो हमारे पास अगर हम अपनी आइडियल कैपेसिटी को यूज करते हैं तो वहां पे कॉस्ट जो है लेबर की 350 है, मटेरियल 850 है, ओवरहेड 200 है, तो यहाँ पे हमें पड़ता है 1400, तो फर्म को जो है 600 का प्रॉफिट होगा. तो इस तरह से क्या है कि हमने आइडियल कैपेसिटी के बेसिस पे जो है डिसीजन लेते हैं. ए डिसीजन इज मोर प्रॉफिटेबल अगर वो हमारी रेवेन्यू को, अगर वो रेवेन्यू को इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू कॉस्ट, या डिक्रीज करता है सम कॉस्ट देन इंक्रीजेस द कॉस्ट. और उसी तरह क्या है कि इट इंक्रीजेस सम रेवेन्यू मोर देन इट डिक्रीजेस द रेवेन्यू ऑफ अदर डिपार्टमेंट. कि जब हम इस चीज को करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है बट कुछ का बढ़ जाता है, और जो वो बढ़ोतरी होती है वो उनसे ज्यादा होती है. इट डिक्रीजेस कॉस्ट मोर देन इट डिक्रीजेस रेवेन्यू, या इससे रेवेन्यू डिक्रीज होता है बट कॉस्ट इससे काफी कम इंक्रीज होती है, और वो जो कॉस्ट में कमी होती है वो डिक्रीज इन रेवेन्यू से ज्यादा होती है. तो मार्जिनलिज्म और इंक्रीमेंटलिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पे जब हम इंक्रीमेंटल का प्रिंसिपल लगाते हैं तो बल्क चेंज, जब बहुत मात्रा में चेंज आती है. मार्जिनल कंसेप्ट जो होते हैं दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट चेंजेस, कि अगर हम वन यूनिट चेंज करते हैं, वन यूनिट इंक्रीज करते हैं या वन यूनिट डिक्रीज करते हैं. इंक्रीमेंटलिज्म जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट इज इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन यूनिट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इंक्रीमेंटल और मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट जो है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं. प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, देखो जो डिसीजन होते हैं उसके अंदर टाइम का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमने टाइम एलिमेंट को भी इम्पोर्टेंस देनी है. टाइम एलिमेंट मार्शल के मुताबिक जो है प्राइसिंग सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे हम अपना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी चेंज बाय अल्टरिंग द साइज और स्केल ऑफ द प्लांट.
जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट होते हैं। तो हमें वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है, जैसे लेबर की मात्रा को, लेबर को हायर करना पड़ता है या रॉ मटेरियल को चेंज करना पड़ता है। अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो फिक्स फैक्टर के साथ हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, साइज ऑफ द फर्म, स्केल जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ए डिसीजन हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट बोथ द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इंपैक्ट ऑन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो हमें लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर बैलेंस लेके चलना पड़ता है। गोटो एंड पॉल हैव साइटेड द कॉज ऑफ केस ऑफ प्रिंटिंग कंपनी, जिसने एक उसका एक पॉलिसी थी कि कभी भी उसने फुल कॉस्ट से नीचे जो है प्राइस नहीं कोट करनी, चाहे इसके पास आइडल कैपेसिटी है चाहे नहीं, और चाहे इसको मैनेजमेंट को पता था कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है, अगर हम एडिशनल ऑर्डर लेते हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट बहुत कम है। मैनेजमेंट को लगता था कि जो लॉन्ग रन के अंदर अगर हम प्राइसिंग बिलो फुल कॉस्ट करते हैं शॉर्ट रन के अंदर, तो इसका लॉन्ग रन के अंदर बैड इम्पैक्ट हो सकता है। मैनेजमेंट को लगता है कि अगर हम कुछ कस्टमर के लिए रेट को रिड्यूस करेंगे तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर है उसके ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए वो कभी भी जो है अपनी कोटिंग प्राइस बिलो फुल कॉस्ट नहीं करते थे। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल जो है हमें ये बताता है, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि देखो जो हमारे डिसीजन कॉस्ट और रेवेन्यू को फ्यूचर में इम्पैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कॉस्ट और रेवेन्यू को डिस्काउंट करना चाहिए, ताकि हम एक जो है एक अच्छा जो है डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पे बिफोर आएगा। Discounting principle implies that if decision affect cost and revenue at future date, it is necessary to discount those cost and revenue to present value before a valid comparison of alternative is possible. कि जो आज हमें रुपी मिल रहा है वो इसकी वैल्यू ज्यादा है जो रुपी हमें एक साल के बाद मिलेगा, तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं कि प्रेजेंट वर्थ कितनी है, कि जो रुपीज 100 हमें फ्यूचर में ऑब्टेन करना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई जो है डेट इज दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, वी हैव टू असर्टेन हाउ मच मनी टूडे विल बिकम रुपीज 100 वन ईयर आफ्टर, कि जो 100 रुपीज हमें मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्यूचर में हमें एक साल के बाद 100 मिलना है उसको 1 + i जो है डेट इज 5%, तो इस तरह से हमने लगा लेना है। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.05, उसकी जो वर्थ है डेट इज 95.24। इसी तरह जो सम ऑफ रुपीज 100 है टू इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब जो 2 सालों के बाद हमें 100 रुपये मिलेगा तो उसकी जो वर्थ होगी वो इतनी होगी। तो ये आपके 100 डिवाइडेड बाय 1 + i जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे हमने नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5%, 1.05 रेज टू द पावर 2, तो ये आ जाता है 1.1025। तो 100 को जब हमने इससे डिवाइड किया तो ये आ जाती है कि उसकी जो वर्थ होगी वो है 90.70 पैसा। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल जो है मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है और जो वैल्यू आज हमें मिल रही है और जो वैल्यू हमें कल मिलेगी, वो जो आज की वैल्यू जो 1 रुपये की वैल्यू वो आज ज्यादा है जो हमें एक साल के बाद मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि जो फ्यूचर में मिलना है उसकी प्रेजेंट वर्थ या वैल्यू क्या है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम टू बी रिसीव्ड एनी फ्यूचर डेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। ये जो है वैल्यू है, आर एन जो है जो हमें मिलना है फ्यूचर के अंदर डिवाइडेड बाय 1 + i रेज टू द पावर n। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, अगर हमारा डिसीजन जो है कॉस्ट और रेवेन्यू को फ्यूचर डेट पे इफेक्ट करता है तो डेफिनेटली उसकी डिस्काउंटिंग मनी जरूरी है, और इकोनॉमिक डिसीजन तभी वाइस है अगर वो पॉजिटिव नेट रिटर्न जो है यील्ड करता है। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं जिनके के अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, तो ये उनके साथ डील करता है कि हम अपनी जो लिमिटेड इनकम है
या एक्सपेंडिचर है, उसको हम किस तरह से करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एक इनपुट शुड बी सो एलोकेटेड दैट द वैल्यू एडेड बाय द लास्ट यूनिट इज द सेम इन ऑल केसेस। रैशनल डिसीजन मेकर जो है वो अपनी रिसोर्सेज को इस ढंग से एलोकेट करता है कि जो रेशियो ऑफ मार्जिनल रिटर्न एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वेरियस यूजेस ऑफ ए गिवन रिसोर्सेज जो है दैट इज द सेम। उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। A consumer wants to get the maximum utility from his consumption. He will distribute his money or consumption budget on a various goods and services in such a way. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे one commodity है तो उसका marginal utility divided by marginal cost, second जो है marginal utility of two divided by marginal cost, marginal utility of n commodity, marginal cost of n unit, that is comes to the वो equal है different uses के अंदर, तो जाके उसको जो है consumer को maximum satisfaction मिलेगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द फर्म जनरली ये ज़ूम करती है कि फर्म को अपनी कॉस्ट डिमांड एनवायरनमेंट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, पर जब हम रियल लाइफ के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट और रेवेन्यू को एस्टिमेट करते हैं, जो कि अनसर्टन होते हैं, जो कि सही ढंग से हम एस्टिमेट नहीं कर सकते और जिसकी वजह से वो फर्म के डिसीजन को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट ऐसे डिसीजन लेती है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर कंडीशन जो होती है परफेक्टली प्रेडिक्टेबल नहीं होती, हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क जो है अनसर्टेनिटी अटैच होती है। तो इकोनॉमिस्ट जो है दे हैव ट्राई टू टेक अकाउंट ऑफ द अनसर्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपनी जजमेंट के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि ये चीज अगर करेगी तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अडॉप्शन ऑफ एनी एक्शन मे अज्यूम एनी वैल्यू विद इन ए सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यू। हर एक वैल्यू को हम एक एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी जो हमें लगता है वो असाइन करते हैं। तो डिसीजन मेकर जो है अपनी जजमेंट के बेसिस पे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है असाइन करते हैं कि ये स्ट्रेटजी है तो यहाँ पे ये प्रॉफिट हो सकता है, तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है जिसके बेसिस पे वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स आर सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड, कि हर मैनेजमेंट जो है उसको अपनी जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिस्कस करती है। तो डेफिनेटली ये जो है टाइम हॉरिजन रिस्क एटीट्यूड और रेट ऑफ चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होता है। डिफरेंट फॉर्म जो है उनका डिफरेंट टाइम हॉरिजन होता है, डिफरेंट रिस्क एटीट्यूड होता है, डिफरेंट असेसमेंट होती है। तो यहाँ पे हम कोई भी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये मेथड लगाएंगे तो एक्यूरेशन जो है एक्यूरेसी जो है 100% होगी। मैनेजमेंट जनरली अपनी जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है वो डिपेंड करती है, वो प्रोबेबिलिटी लगाती है ताकि रिस्क और अनसर्टेनिटी को वो मिनिमाइज कर सकें।